सुप्रभात बच्चों, आप लोगों को पिछली कक्षाओं में जनक मानव जनक तत्व के बारे में बतलाया जा रहा था, जिसमें मानव जनन के बारे में आप लोगों को बतलाया गया था कि मानव जनन में ये द्विलिंगी होते हैं, जिसमें नर और मादा अलग अलग पाए जाते हैं तथा नर का जनन तंत्र अलग था मादा का जनन तंत्र अलग है तथा इनमें संभोग या संलयन की क्रिया होती है, जिसके फलस्वरूप निषेचन तथा गर्भधारण की स्थितियां उत्पन्न होती हैं। उसके बाद इनमें प्रसव कहा जाता है। तो इस समय हम आप लोगों को नर जनन तंत्र के चित्र को भेज चुके थे और उसमें उनकी सहायक ग्रंथियों व उनमें पाए जाने वाले अंगकों के बारे में भी चित्रों में दिया भेजा जा चुका है, जिससे आप लोगों ने नोट्स बना लिया होगा। तो अब आगे आप देखिए कि मानव जनन तंत्र में जो हमारा प्रमुख या प्राथमिक जनन है प्राथमिक जनन तंत्र की जो बात करते हैं तो इसमें आते हैं हमारे सबसे पहला जो आता है वह कहलाता है हमारा विषम। विषम की बात करें तो यह हमारे गर्भ में होने के लिए नर में 6 से 7 महीने तक उदर में ही रहता है तथा 7वें महीने के बाद वह उदर से अलग होकर दिखाई देने लगता है। तो और अन्य जंतुओं में यह विषम कहां उनके पेट में ही रहते हैं ये गर्भ। तथा इसके बाद हम बात करते हैं विषम की, तो यह 2 गोलक संरचना होती है तथा इसके ऊपर एक खोल नुमा संरचना होती है जिसे विषम खोल कहते हैं तथा यह विषम खोल वक्ष रज्जु या स्पेसमिक रज्जु के द्वारा मिलकर बनी होती है। स्पर्मेटिक रज्जु के द्वारा मिलकर बनी होती है यह विषम हमारे शरीर में वक्ष नालों में बंद हो जाती है। कभी कभी ये वक्ष नालों में बंद हो जाने से हम उस व्यक्ति में बांधता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तथा यह हमारे शरीर से नीचे एक झुकता हुआ झुकती हुई संरचना में होता है, जिसमें का तापमान हमारे शरीर से 3 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है तथा यह इसके ऊपर मौसम का भी प्रभाव होता है। जैसे सर्दी के दिनों में यह हमारे गर्भ पेट के पास पक जाता है तथा गर्मी के दिनों में यह फैल कर नीचे झूल जाता है। ठीक है, अब इसके बाद इसमें तापमान की उचित आवश्यकता होती है। शुक्र जन्म की आवश्यकता तापमानों के आधार पर ही शुक्र जन्म का निर्माण होता है। अब आप जानते हैं कि नर के द्वारा शुक्राणु का वीर्य निषेचन होता है जो कि इस विषम के द्वारा ही सहानुभव हो पाता है। इसके बाद इस क्रिया को लिए हमारे सहायक सहायक जनन तंत्र जो है तो उन्हें को हम आप देखते हैं कि इसमें सबसे पहला जो होता है वह होता है हमारा शुक्र वाहिनियां। उसके बाद आता है इसमें अधिक विषम। चौथा होता है शुक्रवाहक।
पांचवा होता है सखलम मृदा, ठीक है। अब बात करते हैं हम सीशन की या गंगाओं की, अधिष्ठान या शुक्रवाहिनियां, जो भी हमारे शुक्राणुओं का निर्माण होता है ये शुक्रवाहिनियों द्वारा बाहर की ओर निकलता है। अब इसके बाद यह एक पतली नलिका संरचना होती है तथा इसके द्वारा यह विषय से जुड़ी हुई कोशिका अधिविषण में आकर मिलती है। अधिविषण लगभग, अधिविषण जो होता है यह लगभग 6 मीटर लंबी संरचना वाली चट्टाकार संरचना बनती है जिसमें तीन भाग होते हैं। इसके तीन भाग होते हैं, पहला कैपट एपिडिडाइमिस, ये इसके अधिविषण के तीन भाग होते हैं, कैपेट कैपेट एपिडिडाइमिस, इसको आप ब्रोमर भी कहते हैं तथा इसके बाद यह कारा एपिडिडाइमिस, कार्पस एपिडिडाइमिस तथा यह ऊपर शीर्ष पर लगा होता है तथा ये दोनों मध्य व आखिरी छोर पर विषय के जुड़े होते हैं। था इससे ही जुड़ा कार्पस एपिडर्मिस से जुड़ा हुआ शुक्रवाहक होता है जो कि हमारे शरीर में लगभग 40 सेमी लंबी एक नलिका होती है जो कि शुक्रवाहक के शुक्राणुओं को वाहित करने के लिए एक पतली नलिका बनाती है जो संघनन नलिका से जाकर जुड़ती है। और यह एक मूत्र नर जनन नलिका का मतलब है, यहाँ पे सीजन से इसमें दो नलिकाएं होती है, एक शुक्र नलिका और एक मूत्र नलिका, जिसमें से शुक्र नलिका के द्वारा ही यह सीजन से शरीर से बाहर वीर्य का सेचन करते हैं। ठीक है। और अब इसके बाद ये तो हो गए प्राथमिक जनन तंत्र और सहायक जनन तंत्र तथा इसके साथ नर जनन तंत्र में कुछ सहायक ग्रंथियां भी पाई जाती हैं। समझना, वृषण क्या होता है, यह हमारे शरीर में दो गोलकों के रूप में उपस्थित होता है जिसके ऊपर एक होल बनी होती है जिसमें दो गोलक उपस्थित होते हैं। यह उदर के पास से चिपका रहता है तथा यह मौसम के अनुसार
छोटा बड़ा या शरीर से बाहर होता है, इसका तापमान जो होता है वह शरीर से 3 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है। इसके तापमान के द्वारा इस द्रव्यों का सेचन या वीर्य का सेचन करने में संभव क्रिया होती है। तथा इसके साथ साथ इसकी सहायक निकायों के शुक्रवाहिनी, अधिविषर, शुक्रवाहक, शक्लनलिका और जननलिका या शिशर। तो शुक्रवाहिनियां क्या होती हैं? यह एक पतली नलिका होती है जो कि विषम से जुड़ी होती है तथा जो कि अधिविषर से आगे लगती है। तो अधिविषर जो होता है यह 6 मीटर लंबा और चपटे गुच्छाकार एक चपटी संरचना बन जाती है, जिसके कारण इसके 3 भाग होते हैं, जिसमें कैटर एपिडर्मिस शीर्ष पर लगा होता है तथा काटा एपिडर्मिस तथा कार्पस एपिडर्मिस मध्य व आखिरी छोर पर उपस्थित होते हैं। कार्पस एपिडर्मिस से शुक्रवाहक नामक एक नलिका निकलती है जो कि 40 सेंटीमीटर लंबी होती है तथा यह शुक्राणुओं के संक्रमण वीर्य सेचन के समय नलिका के रूप में कार्य करती है, जो कि नजनन तंत्र शीशन से होती हुई माता के गर्भ में वीर्य के सेचन में सहायता प्रदान करती है। अब इसके बाद बात करते हैं हम सहायक ग्रंथियों की। सहायक ग्रंथियों की बात करते हैं तो इसमें शुक्राशय, प्रोस्टेट ग्रंथ, ये 3 ग्रंथियां हैं जो कि नर और एक होती है चौथी पेरिनेल। शुक्राशय की बात करते हैं, यह मूत्राशय के पीछे एक स्थित ट्यूब वाली थैली नुमा रचना होती है, जिसमें कि यह एक भित्ति ग्रंथ होती है जो चिपचिपा एवं करती है। क्या होता है? यह हमारे मूत्राशय के पीछे स्थित होती है, जिसमें एक चिपचिपा द्रव उत्पन्न करती है जिसको आप वीर्य कहते हैं। अब अगली बात करते हैं प्रोस्टेट ग्रंथि की। प्रोस्टेट ग्रंथि मूत्राशय के आधार पर लगा होता है तथा यह क्या होता है? जो वीर्य का लगभग 25 से 30% भाग बनाने में सहायता प्रदान करती है तथा यह ग्रंथि जो है 40 से 45 वर्ष के बाद खुलकर बड़ी हो जाती है, जो कि मूत्र के त्यागने में कठिनाइयां उत्पन्न करती है। अब इसके बाद करते हैं कॉपर्स की। कॉपर्स ग्रंथि जो कि मूत्र मार्ग के पार्श्व में स्थित होती है तथा यह पारदर्शक क्षारीय द्रव उत्पन्न करती है जो कि लैंगिक संवेदनाओं के दौरान शीशन को शीर्ष से बाहर निकलने में सहायता प्रदान करती है तथा मूत्र के त्यागते समय इसकी अम्लीयता का निर्धारण करती है। और तीसरी है पेरिनेल ग्रंथ। यह ग्रंथि वृष्ठ ग्रंथ गंधयुक्त रसायन का स्राव करती है जो कि मलाशय के पास स्थित होती है।
शुक्राशय की बात करें तो शुक्राशय क्या होता है, यह मूत्राशय के पीछे उपस्थित होता है जो एक चिपचिपा द्रव उत्पन्न करता है जिसे आप वीर्य कहते हैं। प्रोस्टेट ग्रंथि क्या होती है, यह प्रोस्टेट ग्रंथि वीर्य के 25-30% वीर्य के बनने में सहायता प्रदान करती है तथा इसके द्वारा यह 40-50 वर्षों की आयु पूर्ण करने पर नर में फूल जाती है जिससे हमें मूत्र त्याग करने में दिक्कतें होती हैं। अब इसके बाद क्या कहते हैं, काउपस। काउपस ग्रंथि जो होती है यह हमारे मूत्राशय के बगल में उपस्थित होती है तथा यह हमारे शीशन को बाहर निकलने में सहायता प्रदान करती है तथा यह मूत्र त्याग के समय मूत्र की अम्लीयता को भी क्या करती है, कंट्रोल करती है जिससे कि वह अधिक अम्लीय ना हो। अब अगला है पेरिनील ग्रंथ। पेरिनील ग्रंथ की बात करते हैं तो यह हमारे गुदा के पास उपस्थित एक ग्रंथ उपस्थित होती है जो कि एक गंध के रूप में हमारे शीशन को वीर्य को प्रदान करती है। ठीक है, धन्यवाद। अब इसके बाद इनमें हमारे मनुष्यों में योना आरंभ कब होता है, यौवन आरंभ नर में जब बात करते हैं तो हम नॉर्मली बात जानते हैं कि हमारे अंदर यौवन 14-15 वर्षों के बीच हमारे अंदर वीर्य का निर्माण होना शुरू हो जाता है। तो लेकिन इसके ऊपर वातावरणीय प्रभाव भी प्रभावी होते हैं जिसके कारण यह कम कुछ ठंडे प्रदेशों में यह आयु बढ़ सकती है तथा गर्म प्रदेशों में यह आयु घट सकती है तथा इसमें के दौरान यह हमारे अंदर दो हार्मोन्स उत्पन्न करते हैं, टेस्टोस्टेरोन और दूसरा है एंडोस्टेरोन। ठीक है, जिससे हमारे शरीर में भिन्न भिन्न प्रकार के परिवर्तन आते हैं जैसे दाढ़ी आना, मूंछ आना, चेस्ट का चौड़ा होना तथा आवाज का भारी पर होना, ये सारी चीजें हमारे किशोरावस्था और यौवन को प्राप्त करने के लक्षण में आते हैं। धन्यवाद।